Actually, since we are here and hume platform diya gaya for last night, all the paps that were there, yes. Honestly, bahut respect hai mere dil mein aap log ke liye, me and Nora especially. Thank you so much. Bahut help ki aap logon ne, they went outside the way. And for that, we're very grateful. Aur hota hai na, thank you, bhai. He's your so friend. But amazing. Bahut actors kabhi, thank you. Everyone cheer for him because we were stuck और बहुत actors कभी कभी अटक जाते हैं, मतलब obviously कभी कभी अभी उठे और गाड़ी से निकलते और खच 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 हो जाता है. And but they are, I would like to tell everyone in the film fraternity that ये लोग भी अपना काम कर रहे हैं, but deep down inside ये लोग भी इंसान है. And इन लोग ने इतनी इंसानियत दिखाई है yesterday that I want to clap for you guys. So sweet. Thank you. So sweet. That makes Varun the Varun the person that he is, the star that you are. That's just phenomenal. Also, I want to tell you that ये वाला जो गाना है, इससे पहले मुकाबला आया, of course, 50 million views. छोटी मोटी बात है, बड़ी बात नहीं है. उससे पहले trailer 50 million में कोई बात नहीं, छोटी मोटी बात, बड़ी बात नहीं है. And this one, of course, is going to break the charts and is going to be trending on YouTube. छोटी मोटी बात है, मतलब how do you do it? How do you feel? I think Nora का तो हर गाना trend होता ही है. But Nora surprised right now. How do you feel about this trending and all this, Nora? I have a mic. Thank you. बोलिए बोलिए घर से लेके आइए आप. शुक्रिया वरुण धवन. Thank you. आप बोलिए कैसे लगता है आपको? कैसे लगता है? I think आप लोग देख सकते हैं मैं ज़्यादा hyper और excited हूँ because सर्दी में भी गर्मी है जैसे आप लोगों ने देखा. बड़ी बेदर्दी है. Yes. Song's not gonna stop. So excited! I'm so happy. I'm so ecstatic. मैं बहुत बहुत खुश हूँ. And it's always been a dream of mine since entering Bollywood to do a film with Varun Dhawan. और मैंने बोल दिया, actually एक interview में,
someone asked me, किसी ने पूछा मुझे कि अगर आपको फिल्म करनी है तो किसके साथ करनी है, तो मैंने बोला वरुण धवन के साथ. तो उन्होंने पूछा क्यों, सो आई सेड बिकॉज हमारी दोनों का एनर्जी सेम है, वी आर बोथ क्रेजी, वी आर बोथ वेरी हैप्पी पीपल एंड वी लव व्हाट वी डू एंड वी लव यू गाइस एंड आई जस्ट न्यू आवर केमिस्ट्री वुड बी फायर. और हमने आग लगा दिया है ना, से आग लगा दिया, से वो अनु मलिक जी बोलते हैं आग लगा दिया. बट मैं खाली बोलूंगा कि हम दोनों हाँ बहुत हाइपर लोग हैं, बहुत खुश लोग हैं, बट वी वांट टू कॉल अपॉन दिस स्टेज वन ऑफ द मोस्ट कामिस्ट पीपल इन द फिल्म इंडस्ट्री, जेन लाइक बुद्धा टाइप है, हमारे डायरेक्टर, मेरे डायरेक्टर, मेरे बहुत अच्छे दोस्त रेमो डिसूजा. सर आपको भी करना है इस टाइम. हाय गर्मी. बट सर बिफोर यू से एनीथिंग सीरियस, ऑब्वियसली ये डायरेक्टर है, बट मैं आपको बता दूं कि रेमो सर की इंस्पिरेशन क्या थी इस गाने के पीछे, और जो बोल लिखे गए कि तू रेड वेलवेट की केक लगे, ये इन्होंने खुद लिखा था क्योंकि घर पे ये अपने वाइफ को रेड वेलवेट केक बुलाते हैं. एंड दैट्स नन अदर देन लिजेल डिसूजा. लिजेल, ऑब्वियसली सबको पता है कि आप लोगों ने 3 बार शादी की है एक दूसरों के साथ, बट व्हाट ही रियली कॉल्ड यू रेड वेलवेट एट होम. नहीं, आई थिंक हम लोग हमेशा इधर आते हैं और हम लोग बहुत बात करते हैं, आप लोग पूछिए प्रश्न, थोड़े प्रश्न का सवाल जवाब हो जाए. वरुण जी, रेड वेलवेट का केक लग रहे हो आपको. रेड वेलवेट 2. सबसे पहले आपको पूरी टीम को कांग्रेचुलेशंस, ट्रेलर ने वाकई बहुत धूम मचाया, सो जिस तरीके से रिस्पांस मिला है ट्रेलर को, गाने को, एंड आई एम श्योर ये गाना भी बहुत ट्रेंड होने वाला है. व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस है. व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? मैं खुश हूँ, मैं बहुत और अच्छा लगता है जब काम को अप्रिशिएट करते हैं. और यूजली एक होता है कि ट्रेलर आता है, फिर उसके बाद गाना, फिर उसके बाद रिएक्शन थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बट इसका रिएक्शन इतना अच्छा मिल रहा है कि वी आर वेरी हैप्पी. वरुण भाई, थैंक यू सो मच. वरुण भाई आप बताइए. पाजी सच सच बात यह है कि बिफोर एनी यूनिट कम्स आउट ऑफ अ फिल्म सब लोग डरे होते हैं. हम लोग इधर आके बहुत कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, बट आप इतने स्वीट तरीके से पूछ रहे हो तो मैं आपको सच जवाब दूंगा कि वी आर ऑलवेज लिटिल वरिड कि यार लोगों को कैसा लगेगा, क्या होगा, लोगों को पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा. मेहनत तो मेरे हिसाब से सब करते हैं, बट ये फिल्म जेन्युइनली ये जो गाना शूट हुआ है, एक्चुअली 2 डिग्री टेम्परेचर में शूट हुआ है UK में हम लोग ने, और जेन्युइनली इतनी ठंडी थी उधर, genuinely बहुत ठंडी थी. एंड आई रिमेंबर आई हैड गॉट माई फर्स्ट इंजरी ऑन स्ट्रीट डांसर इन दिस सॉन्ग. मेरा शोल्डर, आई हैड अ शोल्डर टेयर, क्योंकि एक जंप है जो बैटल होता है वो गाने में नहीं दिखाया है, वे दे फ्लिंग मी बैक, और मैं 3-4 बार किया और मुझे लग गया था. एंड वो अभी मेकिंग आएगा उसमें दिख जाएगा, उसमें है, उसमें चोटें बहुत लगी है इस फिल्म में एक्चुअली सब लोगों को. एंड नोरा बात नहीं करती, बट उनको भी चोटें तो सभी को आती है बिकॉज इट्स डांस. नोरा का बैक गया था मुझे याद है, नीज एक्चुअली मेरी नीज बैक, और काफी इंजरी. रमेश को भी लग गया था व्हेन ही वाज ट्राइंग टू कैच मी. राघव को लगा. राघव को आपने ही मारा था सर. बट यस, बहुत मेहनत की है सबने, बहुत दिख रहा है मेहनत, आपको दिख जाएगा इसमें. थैंक यू नोरा. या मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हाउ डू यू लुक एट योर जर्नी, मतलब नॉट ओनली जस्ट एज अ सॉन्ग बट यू आर आल्सो एज अ परफॉर्मर एज वेल. मतलब a director has considered you as a lucky mascot and you're getting, you have been appreciated for your acting performance as well. What do you want to say about it? It's very surreal. It's a feeling. Sometimes I get very, very happy, and then sometimes I get very scared because I don't want it to end. I want it to keep going and going and going and going. But of course, if I look back at 3 years ago, I remember sitting in my room alone, very frustrated, very upset because I wasn't getting the work I wanted and people were not actually recognizing my talent. And I remember saying to myself, mera time bhi aayega. And when I said that to myself, I saw all of this happening.
So for me, coming from outside, not being an industry child or an industry kid, I'm so grateful and so hungry, and I have such a big appetite, and I just want to work, and I just want to prove myself. And to get to work with Remo Sir, I said this at the trailer launch, was a dream, and I have many more dreams. I hope there are many more directors out there that will have, you know, courage to work with me also, because I have a lot to offer, and I can't wait. And obviously, I want to know, how does Varun Dhawan feel doing a song with me? I just want to know, how does he feel? Varun Dhawan. So, मुझे ऐसा लगा था कि ये वैसे भी जब गाना निकालती है तो इंटरनेट को तोड़ देती है. She breaks the internet. So I said that when Varun and Nora do a song together, let's see what happens to the internet. And we are already currently trending at number 3 or 2. I think 2. T series. 2. We are trending at what number? वैसे भी मेरे डांस का रूल नंबर 1 है. Never be number 2. हाँ? अच्छा इतना जोर से मत बोल, but ठीक है. अभी तो बोला. हो जाएगा, but it's not only about that, but generally the idea was let's break the internet and let's get a song. I think Remo sir was very serious that अभी Nora के साथ क्या करे, क्योंकि obviously remake का बहुत बड़ा trend है and this is a original piece of work written by Badshah, Neha Kakkar. ये बहुत ही original गाना है. तो एक original गाने में हम लोग कैसा रंग जमाते हैं? So that was the idea. So please give the song support. It's an original piece of work. So hopefully you will like it as well. I just want to add, I mean, something that's really, really cool, which obviously I hope will be recognized internationally also.